Hello dear students, in today's video I'll be talking about short question answers and long question answers from the chapter The Last Lesson. So let's start without wasting any time. First question is, why was friends reluctant to go to school? Friends school jaane ke liye kyun tayar nahi tha, kyun uska man nahi tha school jaane ka? As you know, his friends teacher, उन्होंने बोला था रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स लर्न करने के लिए, और फ्रेंड्स ने वो लर्न नहीं किया था, इसलिए ही वॉज़ वेरी स्केयर्ड और वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था. दैट्स वाई फ्रेंड्स वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल. सेकेंड क्वेश्चन, वाई हैड एम हैमिल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स? एम हैमिल ने उस दिन जो लास्ट डे था उनका, उस दिन उन्होंने स्पेशल कपड़े क्यों पहने हुए थे? एज यू नो, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर क्या था कि जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. इसीलिए एम एम एल को पता था ये अब उनका लास्ट डे है स्कूल में, क्योंकि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी तो फ्रेंच टीचर का क्या काम, और उनको उस दिन जाना था. तो इट वॉज अ सैड फेयरवेल, इसीलिए उन्होंने उस डे को स्पेशल मानकर अपने स्पेशल कपड़े पहने थे. वाई वर द विलेजर्स सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द क्लासरूम? उस दिन जो विलेजर्स आए हुए थे वो क्लासरूम में पीछे बेंचेस पे क्यों बैठे हुए थे? एज यू नो, द विलेजर्स इंक्लूडिंग ओल्ड होजर, पोस्ट मास्टर एंड मैनी अदर विलेजर्स, दे वर सिटिंग इन द क्लासरूम. क्यों? क्योंकि दो चीज़ के लिए. नंबर वन, फॉर शोइंग रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री एंड थैंकिंग एम हैमिल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस. सेकेंड, उनको बहुत सॉरी फील हो रहा था, दे वर सैड कि वो तो स्कूल कभी जा ही नहीं पाए और अपनी मदर टंग भी सीख नहीं पाए. सो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वी हैव सम एडिशनल क्वेश्चंस. आई बी गिविंग सम हिंट्स अबाउट द आंसर. यू जस्ट ट्राई राइटिंग देयर आंसर एंड कम बैक टू मी विद योर आंसर्स. आई श्योरली गिव माई फीडबैक. फर्स्ट एडिशनल क्वेश्चन फॉर यू इज, फॉर फ्रेंड्स वॉट वॉज मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल एंड वाई? In first question, it was written, friends was reluctant to go to school. Friends school नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसने rules of participles learn नहीं किए थे. Now this first question says कि फिर school के बाहर रास्ते में क्या क्या ऐसी चीज़ें आई थी जिनको देखकर friends का मन था कि वो बाहर ही दिन बिताए. So hint number one, day was bright and warm, birds were chirping and soldiers were drilling and many more. Just go through the chapter and write the answer. It's a short answer. Remember this. Second, why was M. Hamill sad and emotional on his last day at school? M. Hamill last day pe kyun dukhi the aur bhavuk ho gaye the? Why? See, this answer can include M. Hamill jo hai French teacher the, aur French jo thi unki mother tongue thi, aur ab unko wo padhane ka mauka nahi milega, hai na? To unse wo ab छीन लिया गया था और अब उनको स्कूल से जाना पड़ेगा. 40 ईयर्स जो उन्होंने उस स्कूल में सर्विस की थी अब वो एंड हो गई है, और वो इसीलिए भी थोड़ा सैड थे कि जो उनके नेटिव है, विलेजर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, दे वोंट गेट एनी चांस टू लर्न फ्रेंच एनी मोर. थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर द पेरेंट्स एंड द टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टडीज अमंग वीडियोस अमंग स्टूडेंट्स? सी, अगर आप मेरी सेकेंड वीडियो देखेंगे तो उसमें नोट्स हैं फ्लो चार्ट में ना, यू विल गेट दी गुड आंसर फ्रॉम दोज नोट्स. सो पेरेंट्स को कैसे बोला था एम हैमिल ने? उन्होंने बोला था कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग योर पेरेंट्स सेंड यू टू फार्म्स एंड मिल्स एंड फैक्ट्रीज काम करने के लिए, रादर देन मेकिंग यू लर्न. और टीचर अपने आप को वो कैसे रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं कि मैं छुट्टी ले लेता था वेन एवर आई वॉन्टेड टू गो और फिशिंग, और अपने प्लांट्स को बोलता था वाटर देखे आओ, है ना? तो पेरेंट्स उस टीचर का, आपको दोनों का लिखना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लास्ट वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय एम हैमिल? सो टेल मी, व्हाट वाज़ द लास्ट वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय एम हैमिल? या वेव ला फ्रांस, दैट मीन्स वी लॉन्ग लिव फ्रांस. तो इसका क्या इंपॉर्टेंस था, क्यों लिखा था? सी, इट वॉज वेरी इमोशनल डे फॉर एवरी वन प्रेजेंट देयर, कि लास्ट डे था, मदर टंग अब नहीं पढ़ाई जाएगी, और फ्रांस पे जो है अब दूसरी उसका रूल था दो डिस्ट्रिक्ट्स पे, तो इसीलिए वो जो है थोड़े इमोशनल हो गए थे आफ्टर गेटिंग डिफीटेड, और अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के कल्चर लैंग्वेज को
वो चाहते थे ये गायब ना हो जाए, तो थोड़ा सा कंसर्न होता है हमारा भी। तो इस व्यू में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग। पांचवा है, हाउ डज एम हेमल अप्रिशिएट देयर मदर टंग, व्हाई। इसमें आपको लिखना है जो एम हेमल ने क्वालिटीज़ बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी फ्रेंच की, दैट इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ओके, सो आपको वो लिखना है, इट्स अ शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट इज, दीज वर्ड्स वर थंडर क्लैप फॉर मी, व्हाट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ दोज वर्ड्स ऑन लिटिल फ्रेंड्स। लिटिल फ्रेंड्स ने जब बोला था, अच्छा कौन से वर्ड्स थे थंडर क्लैप, पहले तो आप ये सोचिए, जब when M. Hamel told everyone that it was their last French lesson. So when a friends heard those words, he said, these words were thunderclap for me. यानि कि वो सुन के उसको एकदम धक्का लगा और एकदम बिजली कड़कड़ाई उसके लिए कि French chapter, French lesson last है, अब वो कभी French सीख नहीं पाएगा। He hardly know anything about his mother tongue. Okay, seventh question, what changes did the order from Berlin cause in the school? See, B should be capital in this question, so you just notice this. Berlin से जब order आया था तो उसके बाद school में क्या क्या changes हुए थे? So you start from the environment, कि पहले शोर होता था, but that day everything was very quiet, sad, emotional, villagers आए थे, वैसे तो back benches खाली होते थे, but that day villagers were sitting on them, है ना? और एक टीचर एम हेमल जो 40 ईयर से स्कूल में थे, ही वॉज गोइंग टू लीव द स्कूल, और स्टूडेंट्स वर वेरी अटेंडिव। तो जस्ट बी ब्रीफ इन राइटिंग आंसर्स। ओके, आफ्टर शॉर्ट आंसर्स लेट्स मूव टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट इज, आर लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल एम हेमल एंड द विलेज एल्डर्स आर फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज। सी, as we all know, our language is a part of our culture, definitely. So points for this question are, you have to write your own way, just giving example from the chapter. आपको start करना है अपने से कि कैसे language जो है culture का part है, फिर आप example और जो है ये M. Hamel और ये सबका दे सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी mother tongue का importance बताया, और villagers अब जो है sad feel कर रहे थे कि अब वो सीख नहीं पाएंगे अपनी language को, है ना? वो बच्चों के लिए भी sad थे M. Hamel, और कि उनके parents ने उनको कभी ऐसा मौका नहीं दिया। सो आपको ये सब पॉइंट्स लिखने हैं, बट स्टार्ट करना अपनी लैंग्वेज में कि कैसे जो है बैकग्राउंड देना। लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एक दो लाइन में बैकग्राउंड देना कि हाउ लैंग्वेज इज़ पार्ट ऑफ कल्चर। सेकंड क्वेश्चन इज, राइट अ स्पीच फॉर योर मॉर्निंग असेंबली ऑन द टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज मदर टंग इन आर लाइफ। सो ये स्पेलिंग ऑफ लैंग्वेज यू जस्ट करेक्ट इट। सी, यू हैव टू राइट अ स्पीच फॉर योर मॉर्निंग असेंबली ऑन द टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज मदर टंग। मदर टंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसका इंपॉर्टेंस देते हुए, उसका इंपॉर्टेंस बताते हुए, उसकी ज़रूरत समझाते हुए, उसका महत्व समझाते हुए, आपको मॉर्निंग असेंबली के लिए स्पीच, एक भाषण लिखना है। ये आप खुद करेंगे, कोई आंसर इसमें सही गलत नहीं होगा, आपके अपने थॉट्स होंगे। So after these questions, I'm going to give you three questions for practice. One is, write an article on the need of patriotic feeling among the youth, as we feel modern youth lacks in patriotic spirit for motherland. It's a general question. You write it on कि एक देश भावना की feeling की क्या ज़रूरत है हम नौजवानों में, तो उसका महत्व बताते हुए you just write the answer. How did M. Hamel make his last lesson a special one? Yes, this is from the chapter. कि एम हेमल ने लास्ट लेसन कैसे अपना स्पेशल बनाया, है ना? ही वॉज वेयरिंग स्पेशल क्लोथ्स, ही मेड एवरीवन नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग। बाकी उन्होंने उसको, उनको रियलाइज़ कराया कि कितनी इम्पॉर्टेंट है मदर टंग, और उन्होंने फिर जाते जाते ये भी बोला, विश किया कि उनका जो कंट्री है, लॉन्ग लिव फ्रांस, है ना? और भी उन्होंने क्या बोला उस चैप्टर को स्पेशल बनाने के लिए, है ना? उसने गुस्सा नहीं किया, ही वॉज नॉट क्रैंकी ऑन दैट डे, शांत थे बड़े। यू जस्ट गो थ्रू द चैप्टर एंड मेक अ गुड आंसर ऑफ 6 marks. डिस्क्राइब द एटमोसफेयर इन द क्लास ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। आपको एटमोसफेयर बताना है क्लास का कि एवरीवन वाज बिजी इन देयर वर्क, बीटल्स आए थे, नोबडी नोटिस्ड, सब राइटिंग एंजॉय कर रहे थे, और उस दिन सब ने ध्यान से पढ़ाई की, एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड all chapters properly. So these were few questions in this video, short and long. Just write the answers of short questions
considering the marking as 2 marks and long for 6 marks. So good luck. Watch this video again and again. Jab tak samajh na aaye. And you can post your queries in the comment section. Bye students, take care.